पहाड़ी को बोलते हैं मेरू, मेरू राजा का नाम जैसल, हाँ पहाड़ी का नाम मेरू, इससे मेरू जैसल। वाओ छोटा सा पिस्टल लेके छरो वाला जिससे राजकुमार प्रैक्टिस करते थे। पलंग छोटे क्यों रहते थे? ताकि दुश्मन नीचे न घुस सके। अच्छा, सामने ये गड़ीसर तालाब भी, रेलवे स्टेशन लास्ट स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन। इतनी फिशेस, बहुत बढ़िया। तो ये आ चुके हैं अपन पटवा की हवेली, ये देख सकते हैं पार्श्वनाथ जी का जो टेम्पल है सबसे बड़ा है, बिल्कुल जैन। जो रानी जौहर करती थी, जो रानी सती होती थी, वो पहले अपने रंग से टीकू से मैंने सब। तो दोस्तों पहुंच गए हैं मुख्य फोर्ट में, जैसलमेर फोर्ट। जगह से ही सामने आपको दिख रहा होगा, यहीं से हम लोग एंट्री करेंगे फोर्ट के अंदर। और आप देख सकते हैं फोर्ट का नज़ारा सब दूर से, क्या गजब दिख रहा है पूरा फोर्ट। और एक ऐसा फोर्ट जहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं, भारत का पहला ऐसा किला। तो अंदर चलते हैं और आपको पूरा बताते हैं। इस द्वार से अपन अंदर चलते हैं। और कुछ ऐसा दृश्य, वाओ। फ्रेंड्स, किले के अंदर जाते हुए हम लोग एक के बाद एक गेट आते हुए, किले के अंदर प्रवेश कर चुके हैं हम लोग। इस टेंपल के पास में आए हैं और हमने, हमारे जो राजू शर्मा जी हैं, ये हमें पूरा गाइड करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, तो इनसे भी मिलाता हूँ आपको, तो पूरी जानकारी हमें इस फोर्ट के बारे में देंगे और भी हमें कुछ घुमाएंगे। तो नमस्कार राजू भैया, जैसलमेर में आपका तहे दिल से स्वागत है। बिल्कुल, राजू शर्मा नाम है। ये अपने एकदम किले के बीचों बीच में पहुंच गए हैं। इस किले का नाम सोनार किला है, गोल्डन फोर्ट, गोल्डन फोर्ट, क्योंकि ये पूरा किला है वो पीले पत्थर से बना हुआ है। यहाँ पीला पत्थर ही मिलता है, लोग पीला पत्थर यूज करते हैं। ये पत्थर हमको जैसलमेर के आसपास माइन से बनी हुई है, वहाँ से पत्थर मिलता है, इसलिए जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते हैं। किले का नाम सोनार किला, सोनार किला। जैसे राजस्थान में जयपुर है पिंक सिटी है, जोधपुर ब्लू सिटी है, उदयपुर व्हाइट सिटी है, जैसलमेर को गोल्डन सिटी बोलते हैं, इस पत्थर का नहीं बोलते हैं। इस जो किले का जो निर्माण हुआ था, इस किले 1156 AD 1156 में सात किला बना था, लगभग 850 साल पुराना किला है। इस पूरी सिटी का नाम जैसलमेर, जिसने इस किले को बनाया था, जिसने इस किले की नींव रखी थी, राजा का नाम था राजा जैसल। और ये पूरा किला है पहाड़ी, त्रिकुट पर्वत है, पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी को बोलते हैं मेरू, मेरू राजा का नाम जैसल, हाँ। पहाड़ी का नाम मेरू, इससे मेरू जैसल, इसका नाम जैसल है इस कारण से। बिल्कुल, किले की जो दीवार है, बाउंड्री है, सेफ्टी बोले, इसको बनने में 7 ईयर लगे थे। 5 किलोमीटर पूरे किले का क्षेत्रफल है, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। राजस्थान का सेकंड नंबर बड़ा किला है इंडिया वाइज, पहला आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया है। तालों में ताल भोपाल, बाकी सब तलैया है। रानी में रानी पद्मनी, बाकी सब पदैया है। चित्तौड़ की रानी पद्मनी साहब इतनी खूबसूरत थी, जब वो पानी पीते गले में से पानी उतरता हुआ दिखता। बिल्कुल, तो पहला चित्तौड़ है, दूसरा ये है। लेकिन इस किले की क्या विशेषता है, लिविंग फोर्ट है, लिविंग फोर्ट। लगभग आज भी इस किले में 3000 लोग रह रहे हैं। बिल्कुल सही है। विशेषता ये है कि वही लोग हैं जो पहले राजाओं का, जब राजस्थान में जो कामदार थे, उनके जो सर्वेंट थे, 80% ब्राह्मण लोग रहते, पूजा पाठ एडवाइजर का काम करते थे, 20% राजपूत लोग रहते, सैनिक का काम करते, उन्हीं की जनरेशन टू जनरेशन रह रहे। उन्होंने आज अपने घरों को अपने हिसाब से होटल,
किले में जो मेन ये है जैन मंदिर, जैन मंदिर बहुत ही अच्छा कार्विंग किया हुआ है। बिल्कुल जैन होता है, जैन का मतलब पवित्रता। तो दोस्तों ये है जैन टेंपल, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पूरे प्रांगण में 7 जैन मंदिर है अलग अलग, जिसमें पार्श्वनाथ जी का जो टेंपल है सबसे बड़ा है। ये देखिए दोस्तों, और इधर है पार्श्वनाथ जी का टेंपल जो काफी बड़ा है। अच्छा ये राजा जी का महल। अच्छा 500 साल पहले राजा लोग इसके अंदर रहते थे, अभी राजा लोग किले के बाद उनका नया महल मंदिर पैलेस करके वहाँ पे रहते हैं, अभी इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये राजा का महल है, ये रानी का महल, इसमें देखेंगे जाली जो है झरू के है, जो पहले गुंगड़ था पड़वा था उसमें जाली जोड़ के रखे गए हैं। बिल्कुल यहाँ से एंट्री है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है। अच्छा जो आप खड़े हैं चौक, अच्छा राजा लोग पहले यहाँ पे दशहरा मनाते थे, जो सिंहासन है इसके ऊपर राजा लोग बैठते थे दशहरे के लिए। अच्छा ये सिंहासन, ओके। उनका जो पूरा कैबिनेट है, जो सीढ़ियाँ बनी वहाँ पे बैठता था मंत्रिमंडल। और ये चामुंडा देवी का मंदिर है, इसके आगे यहाँ पे बलि होता था एनिमल का, भैंसे और बकरे का बलि दिया जाता था दशहरे के दिन। 1971 में लास्ट बलि, उसके बाद गवर्नमेंट बलि को प्रूव करा। आज ये पूरा किला प्राइवेट है, जो लोग रहते हैं उस किले के मालिक है, अपने घरों को होटल वोटल ऑन प्रॉपर्टी सब। राजा का महल राजा के पास में, आज भी जैसलमेर के राजा है, परंपरा चली आ रही है, प्रशासनिक कोई पावर है नहीं। आज की जो राजा है उनका नाम महारावल चेतन राय सिंह जी है, वो किले के बाहर रहते हैं, किले में ये प्रॉपर्टी उनके पास में, किले में ये इनको राजा के पास में। ये है राजा का महल और हम लोग इंटर होंगे यहाँ। यहाँ का जो टिकट है 200 रुपये पर पर्सन है, तो हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं कैसा क्या है अंदर। यह है सतियों के हाल जोहर। अच्छा जब राजा युद्ध के अंदर मारा जाता है तो रानी अपने आप को इसी जगह कहा कि चिता बनाती थी, आग्रहण करती थी और अपने आप को जिंदा आगे खुदा देना। तो जो रानी जोहर करती थी, जो रानी सती होती थी, वो कल अपने रंग से टीकू से मैनी अपने हाथ लगाती थी, उसके बाद भी आग के अंदर जम लगाती थी। ये दोस्तों ये अंदर का नजारा, फॉरेनर के लिए। और ये देखो अच्छा अस्तबल वगैरह पूरा, ये घोड़ों ऊँटों के लिए डिजाइन से, और ये पाजे का डिजाइन से। बिल्कुल ये झरोका शस्त्रालय, ये शस्त्रालय बहुत बढ़िया। नेपाली खोपड़ी है, राजा लोगों के साथ ही नेपाली में हुई है, चांदी की नेपाली खोपड़ी को दहेज में मिली, तो दहेज में अच्छा शादी दहेज में, और इसके आगे सांप का जहर लगा देंगे तब ये पूरी बॉडी में सांप का जहर फैल जाता। ये तलवार है, ये जैसे चाबुक है, और ये ऊंट को बांधने की रस्सी है, मूरी बोलते हैं। ये तलवार है जो लड़ाई में काम आती है, बड़ी तलवार खांडा, इसमें बल्ली होती थी, वैसे वैसे मोटी करके, तो बड़ी तलवार लाठी तलवार। अच्छा और ये है गुप्ती, गुप्ती गुप्ती गुप्त अकेले चले आक्रमण करे तो कुछ कसी आ रही है। छोटा सा पिस्टल देखिए छरो वाला, जिसे राजकुमार प्रैक्टिस करते थे छोटा, ये बड़ा ये पिस्टल, ये सर कैमल लेदर की कुप्पी है, इसमें आप गन पाउडर डाल दो, युद्ध के मैदान दबा दो, ऊपर कोई चलेगा नहीं, फट जाए। लैंड माइन का काम करती थी सर। अच्छा सेना अपने साथ अफीम ओपियम रखता कि थकावट महसूस ना हो। यह टोपीदार बंदूक, इसको ऊंट के ऊपर बैठ के चलाया जाएगा, इसके आगे बालू गोली बना बना के घुस देते थे, इसको शिकार से भी यूज किया जाएगा। यहाँ का मेन हथियार धनुष बाण, जैसे अर्धचंद्र का क्यों है, सैनिक का पूरा शरीर तो ढका रहेगा, उसकी दो आंखें खुली रहेगी हेलमेट से, एकदम निशान है आंखों के बीच में जाके लगे, उस हिसाब से इसकी डिजाइन की गई। अच्छा ये वही उसी तरह की धूपती है, हाथियों को कंट्रोल करने के अंकुश है। दरवाजे छोटे क्यों है, ताकि एक साथ 15-20 आदमी राजा पर आक्रमण न करे, एक एक करके आए, जल्दी में उनके सर की लगेगी, झुकेगा उनका सर कलम होगा, इसलिए सेफ्टी के हिसाब से दरवाजे छोटे रखे गए, आप भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। वाओ जब भी चले सर को झुका के लगे ना, बिल्कुल। ये है दीवान खाना, जो राजा की मृत्यु होती है उसका जो बड़ा बेटा उसका उत्तराधिकारी होता है, यहाँ पे लास्ट क्लब होता है,
अभी जो राजा जिनकी मृत्यु हुई है उनका राजकीय होता 15 जनवरी 2021 को, अभी जो राजा उनके जो लड़के का राजकीय आज के जो राजा है महाराव चैतन्य राय सिंह, अच्छा 15 जनवरी 2021 को राजकीय हुआ, 28 फरवरी 2020 को उनके पिताजी की मृत्यु हुई। ऐसे बंद कमरे में राजकीय हमेशा पब्लिक पैलेस पर होता है। भगवान कृष्ण को लगभग 5000 साल हो गए, ऐसा कहते हैं इनकी पीढ़ी के पास चला आ रहा है। पत्तियां पूरी सोने की, छठ पूरा सोने का, कपड़े अपने समय से नए लगते रहते हैं। ये मेगा हमारे छात्र बोलते हैं भगवान कृष्ण के द्वारा प्रकट हुआ। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं ये बालकनी, जब भी युद्ध होता था तब यहाँ पे ढोल नगाड़े बजा के पूरे शहर को बताया जाता था। अब त्रिपोलिया के अंदर आ गए हैं, अच्छा ये गोल गोल ये जितने ये फ्रेंड्स ये आज के राजा, ये है दीवाने खास। यहाँ देखें यहाँ पे राजा बैठ के डांस सुना तो देखते थे, यहाँ पे डांस किया जाता था। और ये देख सकते हैं ऊपर से बालकनी से भी सारे नज़ारे देखा करते थे। पलंग छोटे क्यों रहते थे? ताकि दुश्मन नीचे न हो सके। अच्छा राजा को बांध भी रहे तो राजा के पैर बाहर रहते थे, वो पैरों के सारे बैग को लेके खड़ा भी हो सके, इसलिए सेफ्टी के हिसाब से पलंग छोटे रहते हैं। ये जो पालकी देख रहे हैं ये जेंट्स के लिए है, रानियों की पूरी पालकी पैक रहती थी दोस्तों। और अंदर चलते हैं, ये भाई ये आ गया। चौक है यहाँ पे, पहले राजा रानी गुल्ली खेलते थे, ऊपर से रानियां लोग रंग बरसाती थी, पानी इधर से बाहर चला गया। अच्छा अंदर एक लकड़ी का घोड़ा रखा हुआ है, राजकुमार प्रैक्टिस के हिसाब से लकड़ी का घोड़ा, घोड़ा कीजिए काट का पिंड कीजिए पाषाण, दफ्तर कीजिए लोह के तब देखो जैसा, मतलब जैसलमेर देखने के लिए इंदौर टू जैसलमेर रवाना हो रहे, घोड़ा कीजिए काट, आपके पास घोड़ा लकड़ी का जो खाए पीने से रोड के ऊपर दौड़ते दौड़ता है, घोड़ा कीजिए काट का पिंड कीजिए पाषाण, पिंड मतलब शरीर पत्थर के जाते हैं गर्मी पड़ती है अप्रैल में, घोड़ा कीजिए काट का पिंड कीजिए पाषाण, दफ्तर कीजिए लोह के वस्त्र लोहे के हो तभी जाके जैसलमेर देखना नसीब में, तो बहुत ही कठिन भरा सफर था। ऊँटों पे घोड़ों पे बैलों पे आते थे, मूर्ति की अलग कहानी है, ये राधिका जी है, कृष्ण भगवान नीचे है, ये दूध पिलाते हुए है, ये तोते के साथ में नाच करते हुए है, इस अक्षरा को देखेंगे पेन है, पेपर है, देखेंगे पत्र लिखे, इसकी उंगलियाँ देखिए किस तरह से पूरा डिजाइन किया हुआ है, और नीचे पोस्टमैन के काम कैमल करते थे, अपना लेटर कैमल के माध्यम से भेज रहे हैं। इससे भगवान गाड़ी में बहुत ही कम मिलते हैं, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी भगवान, राम श्री राम जी दाढ़ी में ये देखें बहुत बढ़िया, ये शीशे लिए हुई है, मांग भर रही है, डांस कर रही है, एक एक पत्थर के ऊपर काम किया सर, ये 500 साल पुरानी है भी। हाँ। सब लकड़ी की बनी है। अच्छा उनका वजन था 7.5 फीट लंबे राजा जो थे उनका नाइट ड्रेस है ये, वो खूबसूरत जो अपने जैन टेंपल देखे थे। हाँ हाँ ये जैन टेंपल, ये अपन एक विष्णु मंदिर देखने लक्ष्मी जी का मंदिर है। हाँ राजा यहाँ पे रहते हैं, ये जो व्हाइट खंभा लगा हुआ है ना हमारे, हाँ हाँ लोगों का, इसके बीच में से गुंबद साथ ये हनुमान सर्कल पे है, हाँ, वहाँ पे राजा लोग वहाँ राजा रहते हैं, वो लास्ट में शमशान घाट बनी छतरिया, हाँ सामने छतरिया है बिल्कुल, पटवो की हवेली सामने, पटवो की हवेली जैसे तीन हवेली है, नथमल पटवा सालन सिंह, देखने लायक पटवो की हवेली काली वाली अपन देखने के लिए जाएंगे, ये सब पर्सनल प्रॉपर्टी लोगों के रहते हैं मकान। सामने ये गड़ीसड़ तालाब भी, रेलवे स्टेशन लास्ट स्टेशन, ये है रेलवे स्टेशन, पॉपुलेशन लगभग 70,000 के आसपास, ये किले का फर्स्ट गेट जहाँ से एंट्री किए थे वहाँ पे आपने, जहाँ से एंट्री हुई थी ये किले का गेट, और ये पूरा जैसलमेर सिटी बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है, ये सबसे ऊंचा पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट फोर्ट का, जैसलमेर का सबसे ऊंचा पॉइंट है दोस्तों, ये क्या नज़ारा है,
और किला का भी नज़ारा मैंने आपको बताया। तो ये था हमारा फोर्ट, आपको कैसी लगी ये वीडियो बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। अभी एक दो जगह और थोड़ा सा जाएंगे और आपको बताते हैं और फटाफट वीडियो को एंड करते हैं। रानी का महल, ये राजस्थान का मेन फेस्टिवल है गणगौर। हाँ, जो होली के बाद आता है गणगौर माता। ईश्वर और गणगौर शिव और पार्वती का प्रतीक है, अच्छे प्रतीक का। लोक संगीत कक्ष, वाह, पे है ताजिया टावर, मुस्लिम डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पे राजा लोग अभी रहते हैं। ये पटुओं की हवेली जो अपन देखने के लिए जाएंगे, वो सालम सिंह की हवेली है। ये सीक्रेट रास्ता था, मतलब यहाँ कोई भी हमला अगर हो जाए तो इधर से। दोस्तों किले से थोड़ा ही आगे चल के ये देख सकते हैं आप, ये है पटों की हवेली, जहाँ पे आप देखें झरोके, कितना शानदार इसमें नक्काशियाँ की गई है। अंदर चलते हैं, थोड़ा सा आपको ये भी चीज़ें बता दें। ये देखें, ये पटों की हवेली, देखें ये, इधर भी देखें, ये अपन एकदम विश्व प्रसिद्ध पटवा हवेली के सामने खड़े हैं। पटवा हवेली, TWA पटवा, पटवा पटवा वो लोग होते हैं जो गहनों में, मोतियों में, जो धागों को परोने, जो हाथ से पटवा गिरी का काम करते हैं। राजा लोगों को पटवा की उपाधि दी है, गोत्र की वापना है और ये जैन। अच्छा, ये जैसलमेर के बहुत ही बड़े व्यापारी थे, इनका हीरों का ज्वारत का। फ्रेंड्स ये आ चुके हैं अपन पटवा की हवेली, ये देख सकते हैं काफ़ी लंबी चौड़ी हवेली है, जो अलग अलग जिनके सब भाई लोगों की एक साथ है और अभी भी यहाँ पे एक फैमिली रहती है। तो काफ़ी शानदार ये नज़ारा देख सकते हैं आप पटवा की हवेली का। हम आ गए हैं गड़ीसर लेक, ये भी देख लेते हैं अपन। ये देखें दोस्तों, ये सर्वप्रथम टेंपल महादेव मंदिर, और ये आ गई, वाओ, बहुत सारी फीस हैं, कितनी फीसेस, बहुत बढ़िया। हाँ, ये सब सराय बनी हुई, रात में विश्राम करते थे, स्नान करके, जब बारिश नहीं होती तो ये